खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज इस वक्त भटिंडा एयरबेस पर मौजूद है, जहां पर खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने MiG-21 टाइप 96 उड़ाया है। और ये दरअसल इसलिए उड़ाया है अपने साथी, अपने फ्लाइट कमांडर की याद में जो करगिल युद्ध में शहीद हुए थे, स्क्वाडन लीडर अजय आहूजा हमारे साथ हैं। एबीपी न्यूज पर स्वागत है आपका चीफ। चीफ, सबसे पहले किस तरह से अपने साथी, अपने फ्लाइट कमांडर, स्क्वाडन लीडर अजय आहूजा को आज याद कर रहे हैं? पूरे 20 साल हो चुके हैं उनकी शहादत को। No, we flew the missing man formation. We have been flying it over here in Bhatinda on the 27th of May. Unko shradhanjali arpit karne ke liye hum ye fly karte hain. Aur it is to the credit that aaj jaise hain, main Kargil ka veteran hoon. Aur jo CNC hai, Western Air Command ke Marshal Nambiar, wo bhi Kargil ke veteran, unhone Miraj 2000 mein flying ki thi. Aur ye pehli baar mere ko lagta hua, I have to go and check कि इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में किस चीफ और सीएनसी दोनों सेम फॉर्मेशन में उड़े हैं। और ये पहली बार, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जेस्चर कि कमांड के सीएनसी और चीफ दोनों उसी एयरक्राफ्ट में उड़े हैं जिसमें आहूजा उड़ रहा था, और हमने मिसिंग मैन फॉर्मेशन किया है दोनों ने मिल के। एंड आपने नोटिस किया हुआ, हमने वी कैप्टन आ एयरक्राफ्ट बोथ ऑफ अस एट दिस एज। चीफ, 20 साल हो चुके हैं करगिल युद्ध को, अब हम बालाकोट स्ट्राइक भी दे चुके। पिछले 20 साल में किस तरह से आप देखते हैं भारतीय वायुसेना को अपने एडवर्सरीज, अपने दुश्मन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, खासतौर से जब हम भटिंडा एयरबेस पर खड़े हैं, फॉरवर्ड एयरबेस पर? ये जो कारगिल की जो कमियाँ थी उस टाइम, उसके एनालाइज किया गया, और उसकी जो हमारी डिस्क्रिपेंसी थी वो हमने बहुत रैपिडली बिल्डअप किया है। तो जैसे कि एक था कि वो छोटे छोटे संगर में थे, वो नज़र नहीं आते थे एयर से, और उस टाइम हमारा लेज़र डेजिग्नेटिंग जो पॉड था वो सिर्फ मिराज 2000 पे था। अभी हमारे सारे स्ट्राइक फ्लीट्स में है, मिराज 2000 में भी है, V-27 अपग्रेड में भी है, जैगुआर में भी है, और इसमें भी है, अपने Su-30 में भी है। सो ये कैपेबिलिटी अक्रॉस सारे स्ट्राइक फ्लीट्स में आ गई। दूसरी, जैसे हमने अभी बालाकोट में किया, हमारे पास बहुत अच्छे स्टैंड ऑफ वेपन है जो काफ़ी स्टेल्दी हैं और उनकी अच्छी रेंज है और बहुत ही एक्यूरेट है, तो वो भी हमारे इन्वेंट्री में आ गए हैं। पहले चिनूक, फिर अपाचे और राफेल आने वाले हैं, किस तरह से भारतीय वायुसेना की हम क्षमता को देखते हैं आने वाले समय में? ये चिनूक, अपाचे और रफाल जो हैं अलग अलग कैपेबिलिटी लेके आ रहे हैं। चिनूक है जो हमारी हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था चंडीगढ़ में कि जो हम लड़ाई लड़ते हैं माउंटेन्स में, उसमें क्या होता है, आप एक वैली में तैयार बैठे हैं और दूसरे वैली में अटैक हो जाए, तो आपको जो ट्रूप्स लेके जाने हैं, एक्लेमेटाइज ट्रूप्स लेके जाने, ये नहीं कि आप नीचे से लेके जाओ फिर वो एक्लेमेटाइजेशन करेगा। तो एक्लेमेटाइज ट्रूप फ्रॉम इंटर वैली ट्रूप ट्रांसफर, इंक्लूडिंग उनका जो नया अमेरिकन हॉविट्जर आया है उसको भी करने के लिए वो रोल, दैट इज़ वन ऑफ द रोल्स दैट द चिनूक विल परफॉर्म। चिनूक का दूसरा और रोल है जो हमारी बॉर्डर रोड की कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े डोजर लेके जाने हैं, हैवी इक्विपमेंट लेके जाना है, जो हमारी कैपेबिलिटी टू बिल्ड रोड्स ऑन द इंडियन बॉर्डर उस पर बहुत हेल्प करेगा। अपाचे का मल्टी रोल कैपेबिलिटी है, एंटी टैंक कैपेबिलिटी भी है, एंटी यूएवी कैपेबिलिटी भी है, एंटी रेडार कैपेबिलिटी भी है, रेडार के खिलाफ CRDR भी कर सकता है, और ऑब्वियसली टारगेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी में बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है, और किसी डेप्थ तक सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है। तो इट्स अ वेरी मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फेसेटेड एयरक्राफ्ट। एंड जो रफाल है, जो तो मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ, ये गेम चेंजिंग डिसीजन है गवर्नमेंट का कि रफाल के दोस्त कौन लेके आ रहे हैं, और इसमें हमने जो कैपेबिलिटी हमारे पास आएगी, एक एयर टू एयर में कैपेबिलिटी में हमारी एडवांटेज आ जाएगी, हमारा BVR जो बाकी दो हमारे एडवर्सरी उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक सुइट कहीं ज़्यादा अच्छा है, डे नाइट कैपेबिलिटी कहीं ज़्यादा अच्छा है स्ट्राइक की, बैड वेदर कैपेबिलिटी अच्छा है, और प्लस स्टैंड ऑफ वेपन जो है हमारे पास वो काफ़ी अच्छी है। और प्लस जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि Sukhoi-30 में हमने एक सक्सेसफुली ब्रह्मोस फायर किया है ऑन ए लैंड टारगेट, हमने पहले सी टारगेट पे किया था, इस टाइम हमने लैंड टारगेट पे किया था, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कैपेबिलिटी, वेरी गुड मिसाइल, बहुत अच्छा रेंज है उसका, डिफ़िकल्ट दुश्मन को इंटरसेप्ट करना उसको डिफ़िकल्ट है। सो जिसको हम एयरफोर्स के टर्म में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल ऑफ द वेपन इज़ वेरी हाई। चीफ, अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बात करें तो अब किस तरह की स्थिति है हमारी सीमा पर, खासतौर से पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि 3 महीने से लगातार एयर स्पेस बंद है पाकिस्तान? वो तो उनका पॉलिटिकल डिसीजन है, वो जब लेंगे दैट इज़ अप टू देम, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट वी आर ऑन अलर्ट, हमारा इलेक्शन प्रोसेस था, हम चाहते थे कि वो
हमारे इलेक्शन के दौरान कोई ऐसा स्टूपिड काम ना करें। तो वीवर ऑन अलर्ट। एक और सवाल मेरा ये है कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, दिखा दिया देश को कि जरूरत पड़ने पर एकदम सामने खड़े होकर दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। देश से वायुसेना क्या उम्मीद करती है, खासतौर से तब जब नई सरकार बनने जा रही है? नहीं, हमारे जो हमेशा है वो हम सरकार को बोलेंगे, सबको थोड़े बोलने वाले हैं। तो ये हमारे साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ हैं, जो बता रहे हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान किस तरह से डरा हुआ है और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी तरह की अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और खासतौर से जो नए एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं, चाहे वो चिनूक हों, अपाचे हों, राफेल विमान हों, वो भारतीय वायुसेना के लिए, भारत के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, बठिंडा एयरबेस।